एक से शुरू किया और 8 साल का सफर किस तरीके से बीत गया पता ही नहीं चला। पता चलने से पहले ही सब कुछ हो गया और मुझे लगता है कि जिस स्ट्रगल के साथ और जिस शुरुआत की दौर की मेहनत के साथ मैंने इस जूस ऑफ को स्टार्ट किया उस फेज में आज स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है। ये लोग नहीं होते थे, लोगों के घर घर जाता था, प्लान देता था। लोग बोलते थे ठीक है 6 बजे सुबह में आइएगा, दिसंबर जनवरी के महीने में, आप सोचिए 6 बजे सुबह। लेकिन डेडिकेशन इतनी थी कि 6 बजे सुबह उनके घर पे कॉल बेल बजाता था, घर के किसी दूसरे सदस्य को भेज देते थे, बोल दो कि ऑफिस से रात में आए नहीं। बहुत सारी चीजें देखी। पहली टीम धनबाद में बनी थी, कितनी बार लोकल ट्रेन में बाथरूम के सामने खड़ा होके जाता था, पटना से गंगा दामोदर पकड़ के धनबाद, धनबाद से फिर दूसरी ट्रेन पकड़ के कुमार धोबी, फिर वहां से बस पकड़ के मैथन पंचायत, कहां कहां। लेकिन रात में जो चीज होती थी सुबह में फिर से वो टाई शर्ट पैंट पहन के लगता था नहीं बिल्कुल अलग काम कर रहे हैं। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जिंदगी में कभी भी किसी चीज को अगर करिए तो तब तक करते रहिए जब तक कि उसका फाइनल रिजल्ट आपके सामने नहीं आ जाए। किसी के ऊपर विश्वास करिए तो तब तक विश्वास करिए जब तक कि उसका फाइनल रिजल्ट आपके सामने नहीं आए। जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो आपके विश्वास पे खरा उतरेगा, आप बहुत अच्छा कर जाएंगे, और या नहीं तो आपको जिंदगी में एक बहुत अच्छी लेसन मिल जाएगी, एक बहुत अच्छी सीख मिल जाएगी, जो अगेन अगली पारी में आप उसके लिए कोई गलती नहीं करेंगे। किसी को चाहिए तो इतने दिलोजान से चाहिए कि जब तक वो रिजल्ट ना दे दे तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ना है, ये कमिटमेंट आपको दिखाना है। और मैं अक्सर मानता हूं उस चीज को कि किसी से अगर कुछ मांगना है, अगर किसी से कुछ मांगना है तो कभी भी उसके सर पे हाथ नहीं रखिए, अगर किसी से कुछ मांगना है तो उसके पैर में झुक के देखिए, दुनिया आपको सैल्यूट करेगी, दुनिया आपको नवाजेगी। हम भगवान से मांगते हैं ना, क्या भगवान का सर पे हाथ रख के उनसे मांगते हैं? कहां हाथ रखते हैं, पैर के ऊपर। और आज मैं अगेन सैल्यूट करना चाहूंगा महानायक आनंद सर को, जिन्होंने 2001 में 2002 में जब मैं जान जी लगा के मेहनत कर रहा था, मुझे हर एक लेवल पे बताया, 20 साल 21 साल की उम्र थी, कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन हर एक लेवल पे जब कभी भी गुवाहाटी से आते थे, दिल्ली से आते थे, तो हर एक लेवल पे बताते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना है, और वो करते गया। उस समय समझ में नहीं आ रही थी, उस समय समझ में यह भी नहीं आ रही थी कि सर क्या कह रहे हैं, और उस समय यह भी नहीं समझ पा रहा था कि सर की जो दूरदर्शिता है वो कितनी ऊंची है। एक एक बहुत ही उम्रदराज व्यक्ति एक आम के पौधे को लगा रहा था, उस आम के पौधे को लगाने के बाद उसने उसमें पानी डाला, जब पानी डाला तो उसके चेहरे से खुशी आई। उसके बगल से एक व्यक्ति क्रॉस कर रहा था, उस व्यक्ति ने उससे पूछा कि बाबा जिस आम के पौधे को आप लगा रहे हो, क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी इतनी लंबी है कि आप इस आम के पौधे से फल खा सकते हो? उस बुरे व्यक्ति ने जवाब दिया कि बेटा इस आम के साथ साथ बहुत सारे आम के पेड़ और लगे हुए, क्या तुम्हें लगता है कि ये सारे पेड़ मैंने लगाए हैं? ये सारे पेड़ मैंने नहीं लगाए, लेकिन इन सारे पेड़ों की छाया और इन सारे पेड़ों का फल मैं आज खा रहा हूं। आज मेरी बारी है, आज मैं मेहनत करूंगा, मैं इस दुनिया से चला भी जाऊंगा फिर भी हजारों लाखों लोगों को मेरे लगाए हुए पौधों के फौदों में खिला के जाऊंगा। और इस चीज की सीख हमें दी आनंद सर ने कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत के बाद इंसान अपनी जिंदगी में मुकाम पे मुकाम हासिल करते जाता है, विनम्र होता है, हम्बल होता है, और जिंदगी उसी तरीके से चाहता है जिस तरीके से वो जीना चाहता है। कुछ लोग और जिन्होंने बहुत बेहतर तरीके से सपोर्ट किया,